भारत ने अंतरिक्ष में नया इतिहास रचा है। इसरो ने एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च किए। इन सैटेलाइट्स को इसरो के सबसे भारी रॉकेट से लॉन्च किया गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का नया कीर्तिमान कायम हो गया। बीती रात 12:07 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने 36 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अपने सबसे भारी रॉकेट से लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये प्रक्षेपण किया गया। इन उपग्रहों का वजन 5,796 किलोग्राम है। 36 वनवेब सैटेलाइट को लेकर इसरो का रॉकेट LV-M3-M2 अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना हुआ। इसरो ने ट्वीट कर इस मिशन की सफलता का ऐलान किया। ब्रिटेन के साथ 108 उपग्रहों के करार के प्रथम चरण में ये 36 सैटेलाइट भेजे गए हैं। इससे भारत और ब्रिटेन के बीच अंतरिक्ष विज्ञान और इसके व्यावसायिक इस्तेमाल के क्षेत्र में आपसी सहयोग और मजबूत होगा। इस प्रक्षेपण के साथ ही सैटेलाइट को लॉन्च करने के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसरो की साख और ज्यादा बढ़ गई है। LVM-3-M2 रॉकेट 43.5 मीटर लंबा और इसका वजन 644 टन है किलो वजन लेकर अंतरिक्ष में जा सकता है। LVM-3-M2 तीन चरण वाला रॉकेट है। इसरो ने अब तक 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उनकी कक्ष में स्थापित किया है। 36 वनवेब उपग्रहों के प्रक्षेपण से ये संख्या बढ़कर 381 हो गई है।